हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन दिस चैनल क्रिएटिव ज्ञान। तो आज हम यहाँ पे नाइन्थ मैटर इज आवर सराउंडिंग जो है इसके ऊपर हम आपको लेक्चर दे रहे हैं। एक सीरीज में मैंने आपको लेक्चर दिया है तो आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में बात किया था आपसे कि मैटर के जो है स्टेट कौन कौन से हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। तो हमने वहां पे बताया था कि टेम्परेचर के हिसाब से मैटर के स्टेट जो है आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैसियस स्टेट और प्लाज्मा है। तो हम यहाँ पे जो है पहले इस चैप्टर को पहले जो है हम तीन स्टेट की स्टडी करेंगे, उसके बाद हम बचे दो स्टेट की स्टडी करेंगे। तो जो बचा हुआ दो स्टेट कौन सा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा, इन दोनों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है इसके ऊपर तो कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो प्लाज्मा है उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। एमसीक्यूज पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोस आइंस्टीन प्लाज्मा स्टेट, अन्यथा कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ सॉलिड स्टेट को देखते हैं। तो अगर हम सॉलिड स्टेट को बॉल और मतलब बॉल रिप्रेजेंटेशन करें तो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा, जैसे ये हमारा क्या है, सॉलिड है, हम इसको सॉलिड स्टेट बोलते हैं। देखिए आप लोग कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज ये चैनल जो है आपको कंसेप्ट प्रोवाइड कर रहा है, हम आपका सिलेबस नहीं दोहराते हुए ले जा रहे, इसलिए हमने हर एक टॉपिक पर एक एक वीडियो बना रहे हैं जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके, आप एग्जाम्स क्लियर कर सकें। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना और एनसीईआरटी के ऊपर लेक्चर दे देना किसी वीडियो को पकड़ के वो बड़ी बात नहीं होती है, पर आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, रियल क्या है आपको रटना ना पड़े, ये तरीका है। तो हमने कहा कि दिस इज अ मैटर सॉलिड। अब इस फिगर को थोड़ा हम ध्यान से देखें तो क्या पता चल रहा, हमें पता चल रहा कि इनके बीच का जो ये गैप है इसे हम क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिकुलर स्पेस। इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही रिजिड है, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, तो ये क्या होगा, इनके बीच एक फोर्स लगता है, इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम, इंटर मॉलिकुलर एफओआरसी फोर्स। देखिए आपको पता है कि इंटर मॉलिकुलर फोर्स जो है ज्यादा होगा, ज्यादा मतलब क्या है कि ये बहुत ही एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं, मतलब ये फोर्स हमने कहा तो पिछले वीडियो में कहा था ये फोर्स कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो दूसरा फोर्स कौन सा होता है, थर्मल एनर्जी। या क्या बोल सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी। ये फोर्स कम होगा, कम होने का रीजन क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, ये रिपल्सिव फोर्स कम होगा। तो रिपल्सिव फोर्स कम होने का मतलब ही है कि इनके गैप बहुत ही कम होंगे, गैप कम है, अगर ये फोर्स ज्यादा है तो गैप कम होगा। ये दोनों जस्ट अपोजिट है, याद रखिए कि इन केस ऑफ द सॉलिड स्टेट द इंट्रामोलिकुलर स्पेस इज लिटिल या लेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई, काइनेटिक एनर्जी लो। अब देखिए ये क्या है, सॉलिड स्टेट है, हम कहें कि जैसे हमने कहा कि ये इनका मेन पॉइंट है, मतलब अगर हम इसको जूम करें इस पोजीशन को तो क्या होगा, ये जो एक हमारा ये है, ये क्या है, इससे इधर और इधर, इधर और इधर मूव करेगा, इसको हम क्या बोल रहे थे, वाइब्रेशनल मोशन कह रहे थे। मतलब क्या कि द पार्टिकल ऑफ द मैटर इन केस ऑफ द सॉलिड स्टेट शोज द वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट से अप एंड डाउन, मीन पॉइंट से टू एंड फ्रो मूवमेंट, तो ये हमारा वाइब्रेशनल मोशन शो करेगा। देखिए वाइब्रेशनल मोशन शो करने का मतलब, या आप एक कह सकते हो कि ये सब स्टडी करने से हमें यह पता चला कि इनके पास जो है शेप कन्फर्म होता है या फिक्स्ड होता है। मतलब क्या है कि सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप,
दूसरा, अगर हम सॉलिड को किसी भी चीज में रखते तो वो स्थान घेरता है, मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ठीक। तीसरा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है। चौथा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स कम होता है, कौन सी? थर्मल एनर्जी। पांचवा क्या पॉइंट है? द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड शोज द वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन शो कर रहा, मतलब एक मेन पॉइंट से टू एंड फ्रो। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? पांचवा, सॉलिड जो है रिजिड होती है, क्या हमारा पांचवा? सॉलिड रिजिड होती है। अब देखिए, इनके स्पेस बहुत कम है, सोचिए बहुत कम स्पेस, मतलब क्या इनको कंप्रेस करें तो जगह ही नहीं है, कंप्रेस होगा कहां से? मतलब क्या है, नेलिजिबल कंप्रेसिबल होता है, मतलब इसे हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते, इतना कम गैप है, कहां से कंप्रेस होगा? कंप्रेस होना पॉसिबल ही नहीं है। तो सॉलिड क्या है? नेलिजिबल कंप्रेस होता है। छठा पॉइंट हमने आपको बताया, ये देखिए ध्यान से देखिए, सब स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल समझ लीजिए और आपको याद हो जाएगा। दूसरा क्या है कि एक आपको याद होगा न्यूटन का लॉ, देखिए कोई भी चीज कहीं भी लगाइए, फिजिक्स का लॉ केमिस्ट्री में कोई बड़ी बात नहीं है, बायोलॉजी में फिजिक्स सब लग जाते हैं। न्यूटन का लॉ है रिएक्शन और रिएक्शन, मतलब क्या है कि इसके ऊपर आप फोर्स लगाओगे, यह जो पार्टिकल है यह भी फोर्स लगाएगा, उल्टा फोर्स लगाएगा, मतलब ये अपने शेप को बिल्कुल सही रखेगा, उसी को रिजिड बोलते हैं। मतलब जितना फोर्स आप इसको लगाओगे ये पार्टिकल उतना ही फोर्स लगाएगा, तब तक जब तक कि आपका फोर्स ज्यादा ना हो जाए। और जैसे ही आपका फोर्स ज्यादा होगा तैसे ये कंप्रेस तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपने कहा अभी कि कंप्रेसिबल है ही नहीं और रिजिड है, मतलब क्या ये ब्रेक हो जाएगा, सॉलिड जो है ब्रेक हो जाएगा पर कंप्रेस नहीं होगा। तो हम सॉलिड को तोड़ सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक। ये लाइन हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले, मतलब थोड़ी देर बाद हम एक चीज डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज अगर आप समझे होगे तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। अब सॉलिड जो है अपना स्टेट मेंटेन रखता है, मैंने आपको छह पॉइंट यहां बताया, तो आई थिंक ये छह कैरेक्टर बहुत है आपके लिए। पहला क्या है कि इन केस ऑफ द सॉलिड स्टेट शेप इज फिक्स्ड, वॉल्यूम इज फिक्स्ड, इंटरमोलिकुलर इज टू लेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज हाई, इट हैव अ रिजिड और इट हैज अ रिजिड प्रवृत्ति, द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड शोज द वाइब्रेशनल मोशन, ठीक। सॉलिड में डिफ्यूजन की प्रोसेस नहीं होती, बहुत कम होती है। तो यहां तक आपने देखा सॉलिड के बारे में। अब इसी कैरेक्टर से थोड़े आप क्वेश्चन बनाए, रीजनेबल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, रबर बैंड एक ऐसा, मतलब रबर बैंड को हम खींच सकते हैं, क्या यह सॉलिड है? यह क्वेश्चन बना है कहां से? कंप्रेसिबिलिटी से, क्योंकि हमने कहा था कि सॉलिड इज अ लेस कंप्रेसिबल, मतलब उसे कंप्रेस हम नहीं कर सकते। तो यहां से क्वेश्चन बना, क्या रबर बैंड सॉलिड है क्योंकि हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं। दूसरा, मैंने कहा कि सॉलिड का शेप जो होता है वो कन्फर्म होता है। तो हमने कहा कि चीनी और सुगर, मतलब साल्ट और क्या कहते हैं सुगर, चीनी और नमक, ये दोनों के दोनों जिस भी ऑब्जेक्ट में रखे जाते हैं उस ऑब्जेक्ट का शेप ले लेता है, तो क्या वो सॉलिड है? और तीसरा, मैंने कहा कंप्रेसिबल से आया है कि हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते पर स्पंज को कंप्रेस कर सकते हैं, तो क्या स्पंज सॉलिड है? देखिए पहला आंसर ढूंढते हैं कि रबर बैंड को जब भी हम फोर्स लगा के उसे स्ट्रेच करते हैं और जब उसको छोड़ देते हैं तो वो रबर बैंड अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। कुछ समय बाद ऐसा आता है कि अगर रबर बैंड को, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रबर बैंड है, इसको मैंने स्ट्रेच करके यहां तक किया, जब छोड़ देंगे तो यह वापस इसमें आ जाएगा। जब हम फोर्स जो है बहुत ही ज्यादा अप्लाई कर दे तो रबर बैंड टूट जाएगा। तो मतलब क्या है कि सॉलिड स्टेट, ये जो हम स्ट्रेच कर रहे हैं या हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था सॉलिड अपनी स्ट्रक्चर शेप को मेंटेन करता है, यहां पे रबर बैंड अपने शेप को मेंटेन कर रहा है, मतलब रबर बैंड जो है सॉलिड है। दूसरा, मैंने क्वेश्चन कहा है कि चीनी और नमक जिस चीज में रखा जाता उसी का शेप ले लेता है, तो क्या वो सॉलिड है? हाँ है। चीनी और नमक का
क्रिस्टल जो होता है वो इंडिविजुअल क्रिस्टल की हमें बात करनी है, हम यहाँ पे चीनी नमक के पूरे पूरे क्रिस्टल की बात, पूरे पूरे एक चीनी नमक का कलेक्शन की बात कर रहे हैं। हम एक इंडिविजुअल, अगर उसके इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करें, इंडिविजुअल चीनी और नमक के क्रिस्टल की बात करें, तो उसका शेप और साइज सेम होता है, कभी भी नहीं बदलता है और वो सॉलिड होता है। तीसरा मैंने बात की स्पंज की, तो स्पंज की अगर बात करते हैं तो स्पंज जो है पोरीफेरा फाइलम के अंदर ऑर्गेनिज्म आता है। पोरीफेरा का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म विच हैव अ पोर ऑन इट्स बॉडी। तो वो पोर जो होती है वो एयर से फिल होती है, तो जब हम कंप्रेस करते हैं तो वो एयर बाहर निकल जाता है, जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वो हमारा एयर अंदर आ जाता है। मतलब क्या है कि स्पंज जो है वो सॉलिड है, वो उसको कंप्रेस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर पोर है, पोर के अंदर क्या है, एयर है। तो ये तीनों भी सॉलिड है। तो आई थिंक आपको आज जो है सॉलिड समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हम लोग के वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।